चलिए, चलो शांतिनाथ भगवान की जय। चलो आदिनाथ भगवान की जय। चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज शांति धारा प्रमला जी के नाम से करवा देंगे। प्रमला जी और उनके परिवार के नाम से शांति धारा हो रही है। आज की जो शांति धारा होगी प्रमला नाहर जी के नाम से होगी। उनका बर्थडे है और उन्हीं के नाम से होगी। पूरी भाव लगा के, पूरे मन लगा के करिए। द्रव्य अनल्प घन सा चतुर समादे रामोद्वासित समात दिगंत राले मिश्रीकृतेन पैताम दिन पुंग वानम तैलोक पावन माम प्रणाम करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम त्रिपाल सिंतम प्रतिपादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम अद्यनामादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चिंचेत्यालय मध्य आषाढ़ मासे एकम कृष्ण पक्षे एकम तिथि दिन रविवासरे मुनि दिन सोमवासरे मुनि आर्य का श्रावक शर्प का नाम सकल कर्म चारतम सुगंध जल अभिषे नमः। दूरावनामृतुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा च विभूत राग्रिम प्रस्मेद ताप मल मोक्तमपि प्रकृष्टै अज्ञा जलै जिन पतिन बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं त्रिपाल सिंतं प्रतिपादि पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव अमाद्यनामादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चिंचेत्यालय मध्ये आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे एकम्यां तिथि दिन सोमवासरे दिन सोमवासरे मुनि आर्य का श्रावक शर्प का नाम सकल कर्म छायार्थम जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टै मनोरथ सतैर्विभव्य पुंसा गुणै सुवर्ण कलितै निखिले बसानै संसार सागर बिलंगन हेतु सेतु मप्लाव ए त्रभुनेक पतिम जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम प्रतिपादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम अद्यनामादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रांते महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चिंचेत्यालय मध्ये आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे तिथि एकम्यां दिन सोमवासरे मुनि आर्य का श्रावक शर्प का नाम सकल कर्म छायार्थम चतुष्कला जलाभिषेक करोमि नमः। उदक उदक चंदन तांदुल पुष्प जल डरु सुदीप सुधो कलार्ग कई धवल मंगल गागर वाले दिन करे दिन अभिषेक मंगल दे। ओम ह्रीं श्री जरा शांतिनाथ भगवान के चरण स्वाहा। चलिए शांति धारा लघु शांति धारा बरोबर शांतिनाथ भगवान की जय।
कमला जी नाहर जी के तरफ से शांति धारा उनके उनके और उनके पूरे परिवार की ओर से शांति धारा हो रही है। सभी लोगों को इसका लाभ मिले और पूरे पार्टिसिपेंट जो भी इसमें भाग ले रहे हैं सभी की ओर से हो रही है, लेकिन उनका आज बर्थडे है। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्थिशंकराय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीराय त्रिलोक बंत कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धने प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक शाविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवादम चिंचिंदे अत्युम चिंचिंदे अतिकामम रतिकामम चिंचिंदे रोदम अग्निम चिंचिंदे सर्व शत्रुम चिंचिंदे चोर भयम चर्व दुष्ट भयम सर्व नग भयम सर्व आत्म चक्र भयम पर मंत्रम सर्व स्थूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नर मारीम सर्व गज मारीम सर्वाश मारीम सर्व गौ मारीम सर्व महित मारीम सर्व धान्य मारीम सर्व वृक्ष मारीम सर्व गुल मारीम सर्व पत्र मारीम सर्व पुत्र सर्व पुष्प मारीम फल मारीम सर्व राष्ट्र मारीम सर्व देश मारीम सर्व विश्व मारीम सर्व बेताल साकनी भयम नियम सर्व नियम सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति कुरु कुरु बोलना है सर्व जनक जनानंद नाम सर्व भव्यानंद नाम सर्व गोकुलानंद नाम सर्व ग्राम नगर के करवट मठ पत्तन दौड़ मुख संभानंद नाम सर्व लोकानंद नाम सर्व देशानंद नाम सर्व यजमानंद नाम सर्व दुखम हन हन जय जय पचपन लोकेशु व्याधि प्रसन्न वर्जितम् अभियम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवस्तु कुलगोत्र धनदान सतास्तु परम प्रभु चंद्र प्रभु वास्पूज मल्लिनाथ वर्धमान शीतलनाथ मृजोवतनाथ नैमिनाथ पार्थनाथ देव्यो जिनेभ्यो इत्येन मंत्रेण नवग्रहणाम शांत्यार्थ गंधोत्तर द्वारा वर्षतम श्री शांतिरस्तु त्रिमस्तु जयास्तु नित्यारोगमस्तु सर्वदा पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान सतास्तु श्री सद्धर्म सतास्तु यतीनिकानां तपो निदानम् करो तो शांति भगवादिनेन्द्र करो शांति भगवादिनेन्द्र करो तो शांति भगवादिनेन्द्र
परिवार तथा निरजी सुराना डॉक्टर अर्चना जी विनय जी परिवार से तथा जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले रहे हैं सभी की ओर से शांति धारा करो मी स्वाहा इति शांति धारा उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदु फल आद कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे शांति धारा करो शांति धारा करोमि अर्घम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीम श्री एक हजार शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों में अनर्घ प्राप्ताय अर्घम नृपामिति स्वाहा चलो शांतिनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की जय अगयम तव विभाति शशांक कांत उच्चेष्ट दंसुर गिरे विवशाद कोमं मुक्ता फल प्रकटाने बिद्धिशोभनं रक्षास्ति जगत परमेश्वरं बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत अच्छी भेदी है बेजापुर की। हाँ अभी क्या अंकल जी काम हुआ। हाँ बहुत बढ़िया भेद चैता चंती करे पत्तो गई नरम पत्तो गई मणु नरम पंच परमिष्टि को सत्सत वंदन आदिनाथ भगवान वासुनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन आराध्य के चरणों में वंदन आज उसने अर्चना जी परिवार का संगम क्या दीदी आज का आवाज काम आ रहा है और कोई का आवाज आ रहा है। हाँ पीछे से आवाज आ रही है। सब अपने आप सबों को म्यूट करने बोलिए ना। हाँ सब अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। बीच में आवाज आ रही है। हाँ चलिए फिर से कर लीजिए दीदी। हाँ ठीक है म्यूट ऑन कर दीजिए। एक मिनट सबको मैं ही म्यूट कर देती हूँ यहाँ से। चैताभारं वासं चक्रवर्ती मनुष्यो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मणुतरम पत्तो गई मणुतरम
पंच परमेष्ठी को प्रणाम। श्री आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आराध्य को नमन। उपस्थित सभी साधकगण, डॉक्टर अर्चना जी जैन, विनय जी जैन का संगम फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और साथ ही श्रीमती प्रमिला जी जैन को पूरे इस भक्तामर संगम परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और निवेदन करती हूँ अर्चना दीदी से आज के अनुष्ठान की प्रक्रिया प्रारंभ करें। बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। सभी पार्टिसिपेंट को जय। जिन्हें संगम हीलिंग सीरीज का आज 36 नंबर का श्लोक आप हम रहेंगे 36वां दिन आज हमारा है। 36 श्लोक तक हम कैसे पहुंच गए पता नहीं चल रहा है। संगम फाउंडेशन को इसके लिए और नीरज जी सुराना को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अनुष्ठान में। चलिए चलेंगे हम 36 नंबर श्लोक के एरोबिक्स की ओर। एरोबिक्स लगा दीजिए, दोनों हाथों को हृदय कमल पर, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास होल्ड करना है और फिर पहले दो श्लोक बोल लेते हैं। भक्तांबर भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाण उद्योदकम दलित पाप तमो वितान तम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालं वलं भव जले पततां जनान यसंस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथ तोत्वै जगत् त्रितय चित्त हरै रुदारै तोषै किलाहमपि तं प्रथमं दिवेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। दोनों हाथों को हृदय कमल पे लेंगे और 36 नंबर का जो कि सर्व संपत्ति लाभदायक है और बिहार के जो प्रातिहार्य है वो बिहार में कैसे क्या होता है आज इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। सर्व संपत्ति लाभदायक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसे जो भी प्रॉब्लम है वो सब इससे दूर होती है। मेटल का बिजनेस जिनका सोना चांदी मेटल आदि के बिजनेस जिनके है उसके लिए भी 36 उम्मीद है। मैं करो उन्नीद हे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्मख मयूख शिखाभिरामो पदोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नीद हे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्मख मयूख शिखाभिरामो पदोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नीद हे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्मख मयूख शिखाभिरामो पदोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति मंत्र। ओम रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ
आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र ओम रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र ओम रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। विद्धि ओम रीम अरम नमो विप्पो सही पत्तानम जोम जोम नमः स्वाहा। विद्धि ओम रीम अरम नमो विप्पो सही पत्तानम जोम जोम नमः स्वाहा। विद्धि ओम रीम अरम नमो विप्पो सही पत्तानम जोम जोम नमः स्वाहा। बोलिए मान तुंग स्वामी की जय। चलिए हम 36 नंबर जो कि संपत्ति के लिए और सोना चांदी भी एक प्रॉपर्टी ही है सोना चांदी मेटल इस सब के लिए हम 36 नंबर का श्लोक का अनुष्ठान आज कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं इसे। उन्नीध हे मनव पंकज पुंज कांति परयुल्ल सन्मख मयूख शिखाभिराम पदौ पदानि तव यात्रजिने गदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। देखिए इसके मीनिंग हम समझे नहीं है कह रहे हैं उन्नीत हेम नव पंकज पुंज कांति और परयुल्ल सन्मख मयूख शिखा विरामो। हे जिनेन्द्र देव उन्नीत है माने खुलते हुए स्वर्ण उन्नीत नौ पंकज यानी नवीन कमल पुंज कांति यानी समूह के समान कांति जिसकी परयुल्ल सन यानी सब ओर से शोभायमान नख मयूख नखो की किरणों के नख मयूख यानी नखों की किरण जो कि भगवान के नख में ही पूरी आनंदी रहती है नखों के किरणों के शिखाभिरामो अग्रभाग से सुंदर शिखाभिरामो शिखर यानी जो अग्रभाग है अग्रभाग से सुंदर तव यानी आपके पादों यानी चरण यत्र यानी जहां पद्मानि तत्र विभुधा परिकल्पयंती परिकल्पयंती यानी रच देते हैं विभुधा यानी देव पद्मानि यानी कमल। हम इसका अर्थ समझेंगे एनिमेशन देख लीजिए आप लोग पहले एनिमेशन देखिए एनिमेशन देख लीजिए इसमें बता रहे हैं कैसे हे जिनेन्द्र आपके पावन चरण युगल नूतन स्वर्ण कमल के समान जब भगवान समोशरण में रहते हैं उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वहां जब वहां से गमन करते हैं जब विहार करते हैं तो उनके चरणों के नीचे देखिए कैसे कमल की रचना होती चली जाती है ऑटोमेटिक एक कमल बीच में सात आगे सात पीछे
15 कमलों की रचना, 15 × 15 यानी 225 कमलों की रचना वहां होती है बिहार करते समय। जब वे बिहार करते हैं समूह शरण सिंह के, तो धर्मोपदेश के लिए करते हैं, हम लोगों के लिए करते हैं। पावन चरण युगल नूतन स्वर्ण कमल के समान कांतिमान है, उनके नखों से चारों दिशाओं में चमचमाती मनोहर किरणें विस्तृत होती है। आदिनाथ भगवान के हम बोलते हैं ना डेली की उनके चरणों के, पैर के, अंगूठे के नाखून से एनर्जी लो, तो उनकी जो नाखून है वो नाखून से क्या होती है, जगमगाती चमचमाती मनोहर किरणें विस्तृत हो रही है। धर्मोदेश करने के लिए वे जब गमन करते हैं आर्य क्षेत्र में, हम लोग कहाँ पे है, हम लोग आर्य खंड में है, जब आर्य क्षेत्र में करते हैं तो वहां आपके चरण युगल रखे जाते हैं। देखिए पैर के नीचे कमल का वो पुष्प आते जा रहा है। नख मयूख शिखा भी पादो पधानी तब यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। कैसे इंद्र रचना कर रहे हैं कमल, वो देखिए सौधर्म इंद्र जो है वहाँ भगवान जब निकलते हैं आर्य खंड में धर्मोपदेश के लिए, प्रभावना करने के लिए, हम जैसे भोले भाले जीव को मोक्ष मार्ग का पथ बताने के लिए, तो सौधर्म इंद्र देखिए कैसे फूलों की रचना कर रहा है। भगवान को तो उस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो देखते तक नहीं है, उनको तो चार अंगुल ऊपर ही चलना है। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें किसी भी संसार की किसी भी चीज को छूना नहीं है, छूते ही नहीं है। और जब दीक्षा हो जाती है तो वो मौन भी हो जाते हैं, क्योंकि जब भी जो वाणी उनकी निकलेगी वो सत्य ध्रुव प्रमाण रहेंगी। और जब अब आर्य खंड में निकल गए हैं धर्मोपदेश के लिए, बिहार का इसमें बताया है, बिहार प्रातिहार्य, तो बिहार का वो बता रहे हैं कि जब वे चलते हैं तो चार अंगुल ऊपर चलते हैं और किसी भी चीज को छूते नहीं है। और सौधर्म इंद्र अपनी भक्ति में कुछ कमी नहीं करता, भगवान देखे या ना देखे उसे अपनी भक्ति करना है। जब भगवान चल रहे हैं तो उनके चरणों के नीचे वो कमल पुष्प की रचना करते चले जा रहा है। 225 पुष्प की रचना वो वहां करता है। भवि भागन बस जोगे विषय, जब भगवान का विहार होता है तो जिसके भाग्य में, हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर अभी माता जी आई रामटेक से नागपुर, तो कैसे बिहार के लिए लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के बिहार करवाने गए, भला ही लॉकडाउन था, गए ना उनके साथ चलने के लिए। इसी प्रकार बोलते भवि भागण वश जोगे वशाय, यानी जिसके भाग्य में है वो भगवान के बिहार में, वो श्रोतागण अपने अपने स्थान पर बैठ कर भी अपने अपने विमानों द्वारा, वो देखिए पीछे विमान चल रहा है, विमानों द्वारा उनके साथ विहार कर जाते हैं, गमन कर जाते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं रहती वो लोग समूह शरण में बैठे ही रह जाते हैं। श्रावक रोते बैठे रह गए और भगवान निकल के चले गए। देवगण तो अपने अपने विमानों में बैठकर अथवा अपनी रिद्धि के बल से, जिनके पास रिद्धि है तो अपने रिद्धि के बल से चले गए गमन करते हुए। विद्याधर है, वे भगवान के साथ अपनी विद्या से चले गए। जो रिद्धिदारी मुनिराज होते हुए रिद्धि के प्रभाव से जगत गुरु के पीछे पीछे चले गए। जो भगवान के साथ विहार नहीं कर सकते, जो भगवान के साथ विहार करने में समर्थ नहीं है, वे श्रावक जगत गुरु का विहार हो जाने पर रोते रह जाते हैं। भगवान का विहार हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। साधुओं का अनियत विहार होता है, कोई उनका फिक्स नहीं रहता साधुओं का कि आज हम यहाँ जाएंगे कि कल जाएंगे। आचार्य विद्यासागर जी का तो कभी पता ही नहीं चलता जब तक वो उस जगह टर्न ना हो जाए। नागपुर की भी रोड पे है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएंगे, कहाँ पलट जाएंगे। पूछते रहो तो कहते बस 10 किलोमीटर,
बस 10 किलोमीटर। उन्हें ही बताते कि कहाँ जाना है, अनियत विहार रहता है उनका, नहीं बताते हैं वो। इस प्रकार से यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान के पैर के अंगूठे में डालने, पैर के अंगूठे में जो नाखून है वो नाखून में ही पूरी एनर्जी रहती है, वहां से जो चमचमाती हुई किरणें निकलती है वो मनोहर किरणें पूरी जगह फैल रही है, विस्तृत हो रही है। और धर्मोदेश के लिए गमन करते समय आर्य क्षेत्र में जहां जहां भगवान के चरण युगल रखे जाते हैं वहां वहां भक्ति में रत देवगण आपके चरण युगलों के नीचे स्वर्णमय ध्रुव कमलों की रचना करते चले जाते हैं। और 15-15 कमल रचते हुए 15x15 तो 225 कमलों की रचना वहां हो जाती है। वो किसी भी पुद्गल द्रव्य को छूते नहीं है, सारी क्रियाएं सहज होती चली जाती है, सहज बिल्कुल। देखिए कितने कदम ऊपर है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को, आप चलते हुए देखना कभी, ऐसा लगता है जैसे फूलों से पैर ऊपर ही चल रहा है, दिखते ही नहीं कि उनके रोड में पैर चिपके हुए हैं। ऐसा लगता है इतने हल्के से तो वो पैर रखते हैं कि कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, इतने छोटे छोटे पैर और इतने हल्के से फूलों के जैसे धीरे धीरे इतने अच्छे से एकदम एक से एक लाइन में, लगता ही नहीं कि धरती में पैर चिपक रहे जब आचार्य गुरु विद्यासागर जी विहार करते हैं। तो ये देखिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर विहार प्रातिहार्य का, विहार को भी एक प्रातिहार्य कहा गया। प्रातिहार्य तो आते ही नख मयूख शिखा भी राधो पधानी तब यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। चलिए हम मंत्र पढ़ेंगे, आप कार्ड लगा दीजिए। ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कलिकुंड पारशनाथ, कलिकुंड पारशनाथ पता है ना आपको, कलिकुंड पारशनाथ स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय और आत्म मंत्रान लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम कुरु कुरु सा। तो भगवान जो है वो हमारे सबके हितों के लिए जो धर्मोपदेश देते हैं वो हमारे आत्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए भी आकर्षयकारी है। और पर मंत्रान यानी पर के लिए भी, वो मंत्र समीहितम सबके लिए समान हित का उपदेश वो देते हुए पूरे क्या कर रहे हैं, विहार करते जा रहे हैं। और हम छिंद छिंद यानी क्या, कि और हमारे जो बुरे कर्म है वो हमारे नष्ट हो जाए, हमारे कर्मों की निजरा हो जाए और हमें आत्म मंत्रण और हमें अपने आत्मों की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार का यह मंत्र है, इस प्रकार का इसमें बताया गया है कि सर्व विघ्न हर्ता और सब फलदायक, सभी प्रकार के फलोत्पादक और शांति साधक क्या है, इससे शांति भी मिलती है और सब प्रकार का फलोत्पादक भी इससे मिलता है। इस प्रकार से ये शांति मंत्र, जो भी कार्य हम लोग करेंगे उनके फल मिलेंगे। यदि हम व्यापार करेंगे तो व्यापार में भी हमको फल क्या चाहिए, लाभ, तो लाभ मिलेगा। यदि हम आत्मा के कल्याण करेंगे तो आत्मा के कल्याण में हमें क्या चाहिए, हमें आत्मा का कल्याण हो तो वो मिलेगा। तो इस प्रकार सभी प्रकार की संपत्ति श्लोक के पढ़ने से मिलती है। संपत्ति मतलब एक ही प्रकार की संपत्ति नहीं होती, सभी प्रकार की संपत्ति जो आप इच्छा करेंगे, जो मंत्र के श्लोक पढ़ते समय भावना भाएंगे उसी प्रकार के लाभ हमको मिलेंगे। बस वो लाभ जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए,
ये नहीं कि आप कुछ भी लाभ के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लाभ जो हो जस्टिफाई हो। देखिए हमने तो यहाँ व्यवहार से ले लिया कि संपत्ति सोना चांदी मेटल के लिए, लेकिन आपको निश्चय से बता दूं जो सर्व संपत्ति है वो हमारी कौन सी संपत्ति है? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, हमें कौन सी संपत्ति चाहिए? हमें जिन गुण की संपत्ति चाहिए, निज गुण, जिन गुण, जो जिनेन्द्र भगवान में गुण है वो मेरे अंदर भी आए। अप्पा सो परमप्पा, जिन दर्शन सो निज दर्शन, मैं आपके दर्शन ही क्यों करता हूँ पता है? कि आपके जो गुण है वो भी मुझ में आ जाए। जिन दर्शन सो निज दर्शन, इस प्रकार से बताया कि हमें जिन गुण संपत्ति प्राप्त हो। अब वृद्धि पढ़ेंगे। ओम ह्रीम रम नमो विट्ठो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। देखो विट्ठो सही पत्ताणम, ऐसे ऋषि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यह नमस्कार किया गया है कि जिनका मल मूत्र भी औषधि पड़े को प्राप्त हो जाता है। कल हमने देखा था जल्लो सही यानी पसीना, आज हम क्या देख रहे हैं? कल पसीना औषध बन गया था, आज हम क्या देख रहे हैं? विट्ठो सही। विट्ठो सही यानी एक दो चीज है इसमें, विप्पो सही और विट्ठो सही। विप्पो सही यानी मल मूत्र, और विट्ठो सही यानी विष्ठा आदि जो है, और एक और चीज आती है इसमें कि विप्पो सही, और एक आता है विट्ठो सही यानी मल और मूत्र दोनों भी, ऐसे मल मूत्र औषधि बन जाए, ऐसे योगियों को यहाँ नमस्कार किया गया है। विपुण, विपुण यानी ब्रह्म बिंदु जो होता है, जो वीर्य का है, वीर्य ही औषधि बन जाए। एक विप्पो सही एक विट्ठो सही। विप्पो सही यानी जिनका वीर्य ही औषधि बन जाए, विट्ठो सही यानी विष्ठा, जिसका मलमूत्र ही औषधि बन जाए, ऐसे योगियों को नमस्कार है। जिनका विष्ठा ही औषधि रूप को प्राप्त हो गया, विष्टो सही जिनों को नमस्कार हो। दो चीज विट्ठो सही और विप्पो सही दोनों भी इसमें आता है। इसमें तो ये वाला लिखा है, इसमें विट्ठो सही लिखा है, तो विट्ठो सही पत्तानम का अर्थ होता है विष्ठा। आवाज नहीं आ रही है। ही औषधि रूप को प्राप्त हो जाए, जिसका मलमूत्र ही औषधि रूप को प्राप्त हो जाए, ऐसे योगियों को, ऐसे विद्धिधारी मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया गया है। विट्ठो सही लिखा है क्या? चलिए अब हम पढ़ेंगे अपनी अनुष्ठान की ओर बढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? देखो आ रही है दीदी, आ रही है। आ रही है, वो किसी किसी के नेट में आधा जा रहा होगा ना, प्रॉब्लम हो रही होंगी तो इसलिए नहीं आ रही। चलिए देखिए आदिनाथ भगवान की फोटो आपके समक्ष है। आदिनाथ भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से, जो कि हमने बताया अभी कि उनके उसमें क्या रहता है, एनर्जी रहती है अंगूठे के नाखून में, दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में एनर्जी रहती है, तो हमें वही एनर्जी अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करना है, अंदर की ओर लेना है, अपने पूरे नर्वस सिस्टम में वो एनर्जी लेना है, ताकि हमारा भी जीवन चमचमाता हुआ किरणों की समान हो जाए। वो एनर्जी अपने अंदर लीजिए, पूरा नर्वस सिस्टम में बिजली की भांति चमकती हुई वो एनर्जी जा रही है, जा रही है, जा रही है, पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। जितने भी विजातीय तत्व है सब आपकी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। चलिए बड़े बाबा की जाप देंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरं नमः।
ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। सभी लोग चारों प्रकार के आहारों का त्याग करेंगे और नौ बार नमोकार मंत्र करना जरूरी है। कायुत्सर्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। चलिए नौ बार नमोकार मंत्र चारों प्रकार के आहारों का त्याग। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसावनम। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस। श्लोक पढ़ेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेह धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य याद रख प्रभादिन कृता प्रहतांधकारा तदकृतो ग्रह गणस्य विकाशिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यद् प्रभादिन कृता प्रहतांधकारा तदकृतो ग्रह गणस्य विकाशिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य अरे यार 36 है, सॉरी 37 मैंने पढ़ दिया। उन्नीद हे मनव पंकज पुंज कांति परियुल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पदोपदानि तव यत्र दिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नीद्रहे मनव पंकज पुंज कांति
पर्युल्ल सन्मख मयूख शिखा विराम पदो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पुनीत हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्ल सन्मख मयूख शिखा विराम पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पुनीत हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्ल सन्मख मयूख शिखा विराम पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पुनीत हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्ल सन्मख मयूख शिखा विराम पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पुनीत हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्ल सन्मख मयूख शिखा विराम पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पुनीत हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्ल सन्मख मयूख शिखा विराम पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पुनीत हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्ल सन्मख मयूख शिखा विराम पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नीत हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्ल सन्मख मयूख शिखा विराम पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति मंत्र पढ़ेंगे सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चरित्राय नमः ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान दक्ष दक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान लक्ष्य लक्ष्य परमंत्रं छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान लक्ष्य लक्ष्य परमंत्रं छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान लक्ष्य लक्ष्य परमंत्रं छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान लक्ष्य लक्ष्य परमंत्रं छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ
आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ अगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ अगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ
आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिंद छिंद मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिंद छिंद मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न आकर्षय छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य पर मंत्रण छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण लक्ष्य लक्ष्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रण
रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम संहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम संहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम संहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम संहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम संहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम संहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम संहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम संहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान लक्ष लक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान लक्ष लक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष दिनेश रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलि कुंड दंड स्वामिनी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रम
छिन्न छिन्न मम समेतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने अगच्छ अगच्छ आत्ममंत्रा आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रा दक्ष दक्ष परमंत्रा छिन्न छिन्न मम समेतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने अगच्छ अगच्छ आत्ममंत्रा आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रा दक्ष दक्ष परमंत्रा छिन्न छिन्न मम समेतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी न आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ
आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष पर मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी आगछ आगछ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष पर मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी आगछ आगछ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष पर मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कली कुंड दंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्र आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्र रक्ष रक्ष परम मंत्र छिन्न छिन्न मम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। विद्धि सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विक्तोसे पत्तानं झों झों नमः स्वाहा।
ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो विठो से पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा।
ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमस्कार ओम री परम नमो विष्णु से पत्तानम जोम जोम नमः स्वाहा समय दर्शनाय नमः लंबी गहरी श्वास भरेंगे ओ स्तजं तव जिनेन्द्र गुणैणि बद्धां भक्तामया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पां तते जनो यहि अकंठ गतामजस्तं तन्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी तन्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी बोली आदिनाथ भगवान की जय मानतुंग स्वामी की जय। प्रक्षाल कर लीजिए और जल लगा लीजिए पांचों चक्रास में और रजनी जी आ जाएंगे प्रतिक्रमण कराने के लिए। रजनी जी रजनी जी है क्या नहीं
जय जिनेन्द्र। भाव प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। हे अरंत प्रभु, हे अरियंत प्रभु, खामेमी सर्व जीव, खामेमी सर्व जीव, सर्व जीव खमंतु में, सर्व जीव खमंतु में, मिट्टी में सर्व भूयेषु, मिट्टी में सर्व भूयेषु, वैरम मंजम न केणे, वैरम मंजम न केणे, तिथे रामे पश्यंतु, तिथे रामे पश्यंतु, एवं मे आलोयम, एवं मे आलोयम, निंदियम गरियम, निंदियम गरियम, दुगचिमम समम, दुगचिमम समम, तिविहेन पडिकंतो, तिविहेन पडिकंतो, वंदामि जिने चविसम, वंदामि जिने चविसम, देव गुरु धर्म की जय हो विजय हो, देव गुरु धर्म की जय हो विजय हो, आपके श्री चरणों में, आपके श्री चरणों में, अनंति बार अनंति बार अनंति बार वंदना करके, अनंत बार अनंत बार अनंत बार वंदना करके, आपकी शरण लेकर बोल रही हूँ, आपकी शरण लेकर बोल रही हूँ, पांच भारत पांच एरावत, पांच भारत पांच एरावत, पांच महाविदेश क्षेत्र में, पांच महाविदेश क्षेत्र में, जितने भी तीर्थंकर केवली, जितने भी तीर्थंकर केवली, गणधर पूर्वधर, गणधर पूर्वधर, आचार्य उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय, साधु साध्वी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं, श्रावक श्राविकाएं, हुए थे हैं और होंगे, हुए थे हैं और होंगे, तथा उनके द्वारा जो, तथा उनके द्वारा जो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, तप और संयम की आराधना, तप और संयम की आराधना की गई थी, कर रहे हैं और करेंगे, की गई थी, कर रही है और करेंगे, साथ ही उन्होंने जो जिन शासन की भव्य प्रभावना, साथ ही उन्होंने जो जिन शासन की भव्य प्रभावना की थी, कर रहे हैं और करेंगे, की थी, कर रहे हैं और करेंगे, उन सभी का देव गुरु धर्म की साक्षी से, उन सभी का देव गुरु धर्म की साक्षी से, तीन करण और तीन योग से, तीन करण और तीन योग से, अनंति बार अनंति बार अनंति बार अनुमोदन करती हूँ, अनंत बार अनंत बार अनंत बार अनुमोदन करती हूँ। साथ ही निवेदन है कि, साथ ही निवेदन है कि, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, इस भाव में या पूर्व भाव में, इस भाव में या पूर्व भाव में, तीन करण और तीन योग से, तीन करण और तीन योग से, 18 प्रकार के पापों की जो सेवना, 18 प्रकार के जो पापों के सेवना मेरे द्वारा की गई थी, मेरे द्वारा की गई थी, उसके लिए देव गुरु धर्म की साक्षी से, उसके लिए देव गुरु धर्म की साक्षी से, अनंति बार अनंति बार अनंति बार माफी मांगती हूँ, अनंति बार अनंति बार अनंति बार माफी मांगती हूँ, मेरे सभी अपराध क्षमा करें, मेरे सभी अपराध क्षमा करें, यही आपसे अनंति बार अनंति बार अनंत बार प्रार्थना है, यही आपसे अनंत बार अनंत बार अनंत बार प्रार्थना है, मेरी आत्मा सदा सर्वदा सर्वत्र, मेरी आत्मा सदा सर्वदा सर्वत्र, धर्म ध्यान से जुड़ी रहे, धर्म ध्यान से जुड़ी रहे, मोक्ष का रास्ता कभी न छूटे, मोक्ष का रास्ता कभी न छूटे, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी सभी तरह से रक्षा करना, मेरी सभी तरह से रक्षा करना, आनंद मंगल करना, आनंद मंगल करना, यही आपसे अनंति बार अनंति बार अनंति बार प्रार्थना है, यही आपसे अनंत बार अनंत बार अनंत बार प्रार्थना, घर में परिवार में, घर में परिवार में, समाज में संघ में, समाज में संघ में, देश में विदेश में, देश में विदेश में, सभी जगह पर, सभी जगह पर, शांति संगठन, शांति संगठन, और प्रेम का वातावरण बना रहे, और प्रेम का वातावरण बना रहे, सभी स्वस्थ मस्त व प्रसन्नचित रहे, सभी स्वस्थ मस्त व प्रसन्नचित रहे, सभी की धर्म आराधना बढ़ती रहे, सभी की धर्म आराधना बढ़ती रहे, देश विदेश में जैन धर्म का, देश विदेश में जैन धर्म का,
खूब 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 प्रचार प्रसार हो, यही देव गुरु धर्म से अनंति बार अनंति बार अनंति बार प्रार्थना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थ हम, स्वस्थ हम, स्वस्थ हम, ओम नमो आरोग्यम। हे गुरुदेव, आज का एक नया दिन एक नए अनुष्ठान के साथ आपने हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। आज छिंदवाड़ा से राखी वर्मा है नीरज जी, ए जैन नान जैन है राखी वर्मा। हाँ जैन है, लेकिन इनका मैरिज जो हुआ था कहीं अदर कास्ट में हो गया था, उसके बाद भी इन्होंने अपने जैन धर्म को छोड़ा नहीं है। अपने देखिए ये वर्मा फैमिली में गई हुई है राखी जैन। जय जिनेन मैम। हाँ ये देखिए वर्मा फैमिली में गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ा और घर के भी सभी मेंबर्स को जैन बना दिया। आज इनका एक्सपीरियंस किया। थैंक यू। जय जिनेन मैम, मैं कैंसर पीड़ित हूँ छिंदवाड़ा से, राखी वर्मा मैम। हेलो, हाँ मैम, मैं आपका ये कार्यक्रम मैंने यूट्यूब से देखा था मैम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब से मैं आपका ये कार्यक्रम देख रही हूँ मैम, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मेरी जो रिपोर्ट आ रही सब पॉजिटिव अच्छी अच्छी आ रही है रिपोर्ट सारी। और मुझे सभी प्रकार से यानी एनर्जी और जो शरीर में ताकत तो जो आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, और तबीयत भी बहुत अच्छी हो रही है, इससे मेरी सुधार जल्दी हो रहा है मैम इसमें। आपका बहुत बहुत मैम। मैं छिंदवाड़ा से हूँ। मैं छिंदवाड़ा से हूँ सर, और जब से मैम का ये कार्यक्रम अटेंड किया तब से मेरी तबीयत में काफी सुधार है सर मेरे, और यहाँ तक कि सर मेरी जो रिपोर्ट आती है वो भी बहुत अच्छी आ रही है रिपोर्ट सारी, इस मतलब मैम के उस हीलिंग से मुझे बहुत फायदा हुआ है सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती नीरज जी के, धन्यवाद देती जिनके थ्रू ये मैं कार्यक्रम भी देख पा रही हूँ मैम का, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सर मैं आपको बता नहीं सकती सर, मैं इसमें कितनी ज्यादा मतलब सुधार आया मेरी तबीयत में, मैं कह नहीं सकती सर इससे, किन शब्द में बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। रश्मि जी ने बहुत बार छिंदवाड़ा की है, हमारे घर के सामने से ही निकलते हैं राखी जी, इनने बहुत जी बार मुझे फोन किया कि सर आना है, लॉकडाउन में कुछ नहीं आ पाएगा, आ नहीं पाए, लेकिन वो बराबर हमारे संपर्क में है, हमसे हीलिंग लेते रहे, बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ तक कि मैं मेरा ब्लड कम हो गया था, और आपकी हीलिंग और ये प्रोग्राम देखने के बाद जो मैं करती हूँ, मेरी यहाँ तक कि ब्लड रिपोर्ट में मतलब मेरा ब्लड बढ़ा हुआ आ रहा है, मैं सब चीजों में भी बढ़ा हुआ आ रहा है। आपका बहुत बहुत जी मैम। और मैम आपने जो 45वां नंबर का काव्य बताया था, मैं डेली करती हूँ 45वां नंबर काव्य से, कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं मैम, और आपसे मिलने में जरूर आऊंगी नागपुर मैम आपके यहाँ। जरूर आइए जी मैम। मैं बहुत बार कोशिश करते हैं ये कि अभी भी आज मैं छिंदवाड़ा से नागपुर आ रही हूँ आपके आऊंगी, लेकिन कुछ कारणवश हो जाता है, अभी हम नहीं रहते, अभी तक सहयोग नहीं बना है, जब काल लेकिन मिलन हो जाएगा। यस मैम, होते रहते हैं, मिलन देते रहते हैं जी मैम। मैम मैं क्या है, मेरे को कीमो होने के कारण मैम पूरे बाल और ये सब झड़ गए के कारण मैं आपके मतलब प्रोग्राम में आ नहीं पा, सामने फेस नहीं कर पा रही थी,
लेकिन आज हिम्मत जुटा कर आपका ये कार्यक्रम मैंने फिर सामने आई करके कि नहीं मैं एक बार आपसे बात करूं और आपके सामने आऊं करके मैम। बहुत बढ़िया, आपने कल बात किया था और हम लोगों की बात हुई थी तो बोले हमको, मैंने बोला आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि प्रभाव ना होगी। जी जी, कल का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा मैम। जब आपने फर्स्ट बार से ध्यान किया था उस टाइम मेरा कीमो चल रहा था मैम, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी उसी टाइम मैं आपसे बात करना चाह रही थी मैम, लेकिन मैं उस टाइम बात करने लायक स्थिति में नहीं थी, लेकिन आपका प्रोग्राम पूरा देख रही थी मैम मैं उस टाइम भी, और कीमो के कारण बाल और ये। जी मैम, आपने उन जी फर्स्ट वाला आपने 19 तारीख को जो किया था ध्यान मैम आपका, तो मैं कीमो के लग रहा था मुझे, एक तरफ कीमो चल रहा था मैं आपका कार्यक्रम देख भी रही थी मैम आपका पूरा, लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं थी कि बोल पाऊं करके मैं आपको, लेकिन मैं देखती रही वो सब कार्यक्रम आपका मैम। और कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और मैम बस आप इसी तरह सबको हीलिंग करते रहे और सबको बहुत फायदा होगा मैम इससे आपसे, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से फायदा हुआ तो मैं कह सकती हूँ लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा मैम आपके उससे, आप बहुत अच्छी मैम। कल रात का ध्यान देखी थी क्या? जी कल रात का भी मैंने पूरा देखी थी मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कल रात का भी, देखी आपका पूरा मैम, पूरे आपने घुमा दिया मैम, वो यात्राएं पूरी इतनी अच्छी कराई कि ये है कि आखिरी अब बस सलेखना तक आपको किसी भी तरह पहुंचना, और हो सकता है मैम भगवान करे अगर जब मेरा भी अंतिम टाइम आए तो मेरा भी सलेखना ही हो, ज्यादा अच्छा हो मैम, बस यही भगवान से प्रार्थना है मैम मेरी, और आप इसी तरह हीलिंग देते रहे बस। मेरी, मेरी जो सिस्टर है गुरु छत्तीसगढ़ में, जी 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 बिल्कुल मैम, मैं उनसे भी हो सके तो कांटेक्ट कर लूंगी, मेरा भी कैंसर थर्ड स्टेज पे था। आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अभी बहुत दिन बाद जरूरत पड़ेगी। नहीं तो सर आखिरी वक्त, नहीं सर आखिरी वक्त वैसा ही रहे जैसे सर लेखना को, नहीं अपन कोशिश करेंगे। नहीं आप भावना भाइये, जीवन जी 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 बस जी जी मैम जी जी स्वस्थ प्राणी को अभी कुछ बता सकते हैं क्या? जी 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 कभी भी जा सकते हैं, इसलिए हर समय हमारे मन में समाधि संलेखना के भाव आना चाहिए, ये नहीं बस मैम मेरा बस यही है कि आखिर समय के समाधि का ही हो। जी मैम जी 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 मैम बहुत बहुत आप सभी को बहुत धन्यवाद आपको। आप जैन के अपने धर्म पे अधिक है अभी भी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने परिवार का भी उद्धार किया। मैम जो मैं मुझे परिवार मेरा मेरे पति मेरे में बहुत अच्छे हैं, मेरे कभी धर्म में रोकते नहीं, वो स्वयं मंदिर लेके जाते हैं, मैं पर्युषण पर्व रखती हूँ मैम बहुत, तो उसमें रखती हूँ मंदिर, मेरे को लेके जाते स्वयं मंदिर जाते हैं, वो भी पूजा करते साथ में, ऐसा नहीं है नहीं करते मैम, व्रत पूरा करते। अभी मैंने नमक का त्याग किया था मैम, 3 दिन नमक का त्याग करी रही, लेकिन उसके बाद वीकनेस ज्यादा, कीमो के कारण वीकनेस ज्यादा लगी रही, तो रात्रि भोजन त्याग है मेरा मैम मेरे, लेकिन जी रात्रि भोजन त्याग है मेरा भी। आप जिस प्रकार से कर रहे हो बहुत बड़ी बात है कि एक जी जी में भी आप गए जो नॉन जैन है वहाँ भी आप अपने पूरा जैन बता दी सकते हो, और जैन धर्म को आपने अधिक रखा है उसमें, आप दिख भी गए नहीं अपने जैन धर्म में, ये बहुत बड़ी जी मैम जी 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 आपको अपना बना लिया, आप उस रूप ना बन के आपको अपना बना लिया जी जी मैम जी जी मैम जी जी आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद जी जी बिल्कुल जरूर आऊंगी मैम, आपसे मिलने जरूर आऊंगी मैम, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए मैम। जी जी नीरज जी, नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जी बहुत उन्हीं के थ्रू तो आप तक पहुंची हूँ मैम। नहीं देखिए हम तो दीदी को धन्यवाद देते हैं और आदिनाथ भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है, बहुत खुशी है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है राखी जी, और जी 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 सब यही प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो, और आज आप संभाल लिए फिर भी आप बहुत सुंदर लगती है मैम, इसलिए नहीं आ रही मैं, इसलिए नहीं आ रही कि आपकी इतनी तबीयत ठीक नहीं है क्या, और हमारे हम लोगों को तो आदत है तिरुपति में लोग जाते हैं पूरा मुंडन करके ही आते हैं लेडीज और जेंट्स,
जी मैम, जी मैम, हाँ, हम लोगों के लिए तो कॉमन कॉमन बात है ये। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप आते रहिए जी, ऐसे। धन्यवाद। और बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब आपने बोल दिया तो मेरा अंदर से ये है कि मैं कर सकती हूँ फेस। मेरे को जो थोड़ा सा लग रहा था कि मैं कैसे करूंगी घर के फेस सबका, लेकिन आप लोगों का वो से सब अब कर सकती हूँ मैम, मैं फेस भी सामने अब। माता जी तो गेस्ट कुछ नहीं करते हैं। नहीं, माता जी लोग कहते, माता जी का केस मैम वो थोड़ा अब क्या है, ग्रस्त लाइफ में थोड़ा सा अजीब लगता है ना मैम, इस तरह की स्थिति में असल में। नहीं, आप बहुत बढ़िया योद्धा हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा युद्ध करके आप इतना आगे बढ़ी हो, आपने जी हरा मैम, जी दिया है दुखों जी को। मैम, बस जी मैम, जब से आप नीरज जी, वो सुभाष जैन जी कलकत्ता वाले 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं। कल 8:41 हो गया, आज दे क्या 8:41 एक सेकंड ले लीजिए। उनका फोन कल भी आ रहा था, बहुत वो एक्साइटेड है थोड़ा सा। 2 मिनट। अच्छा ठीक है अंकल, सुभाष जैन। हाँ, कलकत्ता वाले IAS ऑफिसर, आज मंत्री भी बड़े थे। थोड़ा ठीक है ले रहा। जल्दी बोल लेंगे वो, हाँ, उनके हमारा रिक्वेस्ट है। जैन यस सर, हाँ सुभाष जी बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए उधर से और वीडियो भी ऑन करिए। उन्होंने माइक अनम्यूट कर रखा है, मैंने तो यहाँ से वीडियो अनम्यूट है उनका। अनम्यूट करिए तो जी जैन साहब, जैन साहब, हाँ जी, ऑडियो ऑडियो अंकल, आपको ऑडियो ऑन ही है सुभाष अंकल। हाँ बोलिए। हम मेरा चेहरा आ रहा है विनय जी? आ रहा है, आ रहा है, सभी आवाज भी आ रहा है। आवाज भी आ रहा है। हाँ जनता, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज ऑडियो ऑडियो अब आएगी। अब कुछ हाँ, हेलो, हाँ आ गई। हेलो जी, हेलो, आ रही था। एक तो सबसे पहले माननीय अर्चना जी, डॉक्टर अर्चना जैन और विनय जी के लिए सुभाष जैन का जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। हालांकि दोनों ही एक साथ मैं कर रहा हूं। मैं विगत कल मैंने मॉर्निंग में बहुत कुछ कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों से कनेक्ट नहीं हो पाया। मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए थे, तो मेरा बार बार उसने कंट्रीब्यूट करने से मना कर दिया था। मैं लगातार 45वां स्रोत का वाचन नौ बार, 3 बार, 27 बार कर रहा हूँ, और मैंने आपके सभी किस्म के यंत्र उसको करने के लिए आपको पर्सनल रिक्वेस्ट भेज दी, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। जो भी उसका आवश्यक चीज थी वो भी मैंने कल रात में ही पूरा पूर्ति कर दी। डॉक्टर अर्चना जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे मैं जब सवेरे सो के उठता हूँ, जैसे मैं अभी भी जो उठा हूँ, मेरे दोनों पैरों की जो स्वेलिंग है और दोनों पैरों में जो दर्द है वो इतना अधिक है कि In English, we can say only 2 words, that is unbearable and intolerable at all. हमने तो आपके ऊपर विश्वास ही व्यक्त किया हुआ है। मैंने आपसे कह दिया ना, जिस दिन आप कह देंगे कि आप बंद कर दीजिए, उस दिन मैं बंद करूंगा। अर्थात जीवन के अंतिम क्षण तक आपके ऊपर मेरा विश्वास बना रहेगा, क्योंकि आप समाज के लिए वो कार्य कर रही हैं जो सामान्यतः लोग लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोग आज की तारीख में इतने कन्फाइंड और सेल्फ सेल्फिश हो चुके हैं
लेकिन आपने भक्तांबर पाठ के प्रथम श्लोक से लेकर और 48वें श्लोक तक के माध्यम से विभिन्न किस्म के लोगों की जो सेवा प्रारंभ की है, उसके लिए मैं यदि जिले में उस समय कलेक्टर होता जिस समय आपके संपर्क में था, तो मैं आपको 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम में सार्वजनिक रूप से सम्मानित करता। नहीं नहीं, इसकी कोई इसका मतलब कोई ये एग्जीक्यूशन नहीं है, लेकिन समाज के ऐसे लोगों को सम्मानित करना आवश्यक होता है। और मैं जिन जिलों में कलेक्टर रहा उसमें जिन लोगों ने सामाजिक सेवा की उसको मैंने हमेशा सम्मानित किया। और मैं चूंकि नागपुर में नहीं हूँ, फिर भी मैं नागपुर के कलेक्टर से संबंध में बात करूंगा, क्योंकि बेसिकली आज की तारीख में समाज की सेवा और वो भी पीड़ित मानवता की सेवा करना अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। एक व्यक्ति जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, यदि उसको आदमी खड़ा कर दे, उसको चलने योग्य बना दे, उसकी बीमारी किस्म की बीमारियों, इसके पहले जो राखी वर्मा जी थी कार को सुन के मुझे इतनी प्रसन्नता, एक महिला नान होते हुए भी उस 45वें श्लोक में आस्था है। मैं तो एक जैन हूँ और मेरी आस्था तो थी है और रहेगी। और अर्चना जी आपके प्रति तो मैं श्रद्धा के सहित आपको अपने मस्तक को झुकाता हूँ कि भले मुझे अभी 5 दिन में मुझे आराम नहीं मिला है, वास्तव में नहीं मिला है, मेरे पैरों में अत्यंत तकलीफ है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस मामले में पूर्णतः डिवोटेड रहूंगा। आपको नींद का तो प्रॉब्लम निकल गया ना, आपको नींद का आपको सही नहीं, नींद का प्रॉब्लम तो अर्चना जी 3 दिन तक तो नींद आई, लेकिन कल रात को से मैं इतना अधिक पीड़ित रहा, रात को 1 बजे से लेके, क्योंकि आपके प्रोग्राम को 7 बजे अटेंड करना था इसलिए मैं 7 बजे हो गया, रात भर नींद नहीं आई। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मेरे दोनों पैरों में, बाएं दाएं पैरों में जो स्वेलिंग है, और स्वेलिंग के कारण जो इंटरनल पेन होता है उसके कारण मैं बिना वॉकर और बिना स्टिक के चल नहीं सकता। सभी किस्म के टेस्ट, कार्डियक टेस्ट, किडनी टेस्ट, इसके बाद लीवर टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, और वो भी छोटे मोटे डॉक्टरों से नहीं, भोपाल के लीडिंग डीएम जो कि मेडिकल कॉलेज में डीन्स रहे, उन सबसे कराने के बाद में सबने ओके कह दिया। तो अब तो मैं केवल एक ही मेरी आशा है कि 45वें स्रोत और 17वें स्रोत के माध्यम से, जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी आपको भेजी है, 45 और 17 है ना, तो कल मैंने बैंक के माध्यम से वो सारा लिटरेचर के लिए भी डिपॉजिट भी सब कर दिया है, और जल्दी से जल्दी आप भेज दें। और आप मुझे प्लीज इस योग बना दें कि मैं कम से कम चलने योग हो जाऊं। आज की तारीख में मैं बिस्तर से उठ के 2 कदम चल नहीं पाता, दैट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम विद मी। जरूर खड़े होंगे, आपके भोपाल का ही एक केस है, वो आज भी 1.5 महीने आईसीयू में से उनसे भी खड़ा होके नहीं हो रहा था। 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे फोन किया था, मैं तो अमेरिका में थी उस समय, मैंने अमेरिका से उनको हीलिंग दी तो वो उठ के बैठ गए थे, और फिर 8-10 दिन तक हीलिंग देते रहे तो 10 दिन में वो खड़े हो गए और फिर चलने लगे। और आज तो रोज अभिषेक करना, मंदिर जाना, चलना, आपके भोपाल के ही है वो सज्जन, और वो बेंगलोर बेटे के यहाँ गए थे और उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि 1.5 महीने वो आईसीयू में और चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, डॉक्टर के हाथ उठा दिया। उस समय मेरे पास फोन आया था जब मैं अमेरिका में थी और मैं अमेरिका से उनको हीलिंग दे रही। चलिए अभी थोड़ी देर, बस 10 दिन हीलिंग दिया, बस 10 दिन में वो खड़े हो गए। आप भी एक चीज विश्वास रखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी कभी हमारे निगेटिव कर्म, चलिए नीरज जी। अर्चना जी एक बात की और आपको प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, एक बात की और प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप श्लोका का उच्चारण शुद्ध भाषा में करती हूँ, के लिए आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि एक एक शब्द का उच्चारण जो आपका होता है वो इतना सटीक और इतना सही होता है कि उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं। चलिए चलिए, आप अनुमोदना कर रहे हैं भक्तांबर जी की, ये भी बहुत बड़ी। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में फिर आपसे मैं कनेक्ट होता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल, थोड़ी देर में आपको हीलिंग दे देते हैं।
मैं तो नीरज जी जुड़ा हुआ लेकिन ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था हूँ और रहूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इतना योग्य बना दें कि मैं अपने पैरों से चल सकूं। जी पूरा प्रयास रहेगा हमारा, पूरा प्रयास करेंगे हम आपको उस काबिल बनाने का। सुभाष जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपके पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाए और आप भी चलते हुए ही आए दीदी के वहां पर। और दीदी तो वैसे भी कई अवार्ड से सम्मानित है और हम एकदम सहमत है सुभाष जी आपसे कि देखिए ऐसे लोगों को तो सम्मानित करना समाज का और सरकार का दायित्व भी बनता है जो निस्वार्थ भाव से आज इतनी समाज के लिए सेवा देते हैं। तो शायद ये आपकी जो इच्छा है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाए, हम ये भी भावना भाते हैं। और बस यही कहते हैं जो दीदी ने कहा था कि पूरी श्रद्धा से आप करते रहिए, जब इतनों को रिजल्ट मिला है तो आप और हमें क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अब बहुत समय हो गया है, कार्यक्रम का समापन करते हैं और आज अर्चना जी के लिए, विनय जी के लिए, रजनी जी के लिए और जिन्होंने भी अपना अनुभव सेवा में शेयर किया उन सब के लिए और सभी साधकों के प्रति हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, यही भावना प्रेषित करती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।